अब भाई देखो, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है भाई, लास्ट लास्ट तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, अमाइन वाले इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अमाइन का एसिलन कैसे होता है। एसिलन का मतलब होता है एसाइलेशन, यानी कि आप लोगों ने असाइल ग्रुप को जोड़ना सीख लिया है। किस पर? अमाइन पर। और आपको फाइनली क्या मिलता है? उसमें अमाइड मिलता है। ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या है, आगे हमारे पास में कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं कार्बाइल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है, देखो बता दूं मैं आपको, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में केवल प्राथमिक अमाइन, चाहे एरोफेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। भाई एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? एलिफेटिक का मतलब होता है कि वो एरोमेटिक नहीं है, मतलब कि सीधी चेन वाली श्रृंखला है। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन है ना, वो प्राथमिक अमाइन होगा, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, वो इस रिएक्शन को देता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। द्वितीयक और तृतीयक अमाइन बिल्कुल नहीं करता। इसका मतलब जब भी आपको कहा जाएगा कि प्राथमिक अमाइन और द्वितीयक अमाइन में विभेद कीजिए, अंतर लिखिए, तो आपको यह भी लिखना है, पहला ही होना चाहिए कि कार्बिल एमीन केवल प्राथमिक देता है, द्वितीयक नहीं देता। ठीक है ना, और ना ही तृतीयक देगा। ठीक है ना, तो आप लिखो अगला हेडिंग जो हमारे पास में है नेक्स्ट, वो क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो भाई, तो हमारे पास क्या है, कार्बिल एमाइन, कार्बिल एमीन। ठीक है भाई, कार्बिल एमीन के हमारे पास में क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं कार्बाइल अमाइन। क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमाइन बोलते हैं हम लोग इसको। देखो इसमें क्या होता है, पता है? लिखो, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में प्राथमिक अमीन, यानी कि वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो अथवा एरोमेटिक एरोमेटिक किसके साथ में, हाँ क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है हमको? आइसोसाइनाइड उत्पाद मिलता है, ध्यान रखना। क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड करने पर आइसोसाइनाइड अथवा आपसे एक नाम और कह सकते हैं उसको, कार्बाइल अमाइन या कार्बिल एमीन का विरचन होता है। क्या होता है? विरचन होता है। ठीक है ना, कार्बिल एमीन का क्या होता है? इसमें विरचन होता है, ध्यान रखना। इसमें कार्बिल एमीन का विरचन होता है। कार्बिल एमीन अभी है क्या, अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखना। अब इसकी खास बात यह है कि द्वितीयक व तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया
नहीं प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, को क्या नहीं करती है, नहीं दर्शाती है या नहीं प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कह सकते हो कि प्राथमिक और द्वितीयक अमीन को अगर विभेद करना है, अंतर करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, परीक्षण करना है, ठीक है ना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, इस रिएक्शन का, कार्बिल एमीन का। इस अभिक्रिया का उपयोग वन डिग्री अमाइन कोमा द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद विभेद करने के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है भाई। आप इस रिएक्शन की हेल्प से दोनों में, तीनों में सॉरी, अंतर लिखते हो, ठीक है ना। तीन कौन कौन से हो गए, वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री अमाइन, ठीक है। अब बारी आती है रिएक्शन की, देखो ये हमारे पास होता है आर सी एन, प्राथमिक तो होगा ही ना, इसके ऊपर क्या होगा, प्राथमिक होगा, अरे अमाइन थोड़ा होता है ये, तो बनेगा ना एनएच टू, इसमें सी एच सी एल थ्री, हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और साथ में क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, गर्म करना है इसको थोड़ा सा, ये आपको एनसी देगा, नैन्सी की बहन एनसी, तो नैन्सीन हो गया, प्लस पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, यानी कि सॉल्ट, और साथ में पानी तो सब पाता है निकालना, निकालते आ रहे हो अब तक, तो निकाल दो फिर यहां पर दोबारा से, ठीक है ना, तो पानी निकालना सब आना चाहिए, ठीक है। देखो पानी तो हमारा बाहर निकल गया, अब यहां सीएल कितना है, तीन है, तो यहां पर तीन लगाना होगा, है ना, सीएल तीन हो गया उधर, अब उधर सीएल तीन लगा तो के तीन हो गया, अब के यहां पर कितना है, एक ही है, तो यहां पर हमको के भी तीन करना पड़ेगा, समझे। तो देखो हम यहां पर इधर तीन लगा लेते हैं, ठीक है, अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, एच कितना इधर तीन और दो पांच, वह कितना हो गया, उसमें उधर दो ही है, तो उधर पांच लगा देते हैं ना, तीन इधर है, तीन लगा दो इधर भी, इधर जो है तीन लगा दो जल के आगे, तो तीन दोनों छह हो गया, यहां पर तीन और एक चार और दो छह, यहां भी छह, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, संतुलित हो गया। तो ये क्या, ये है कार्बिल अमाइन, कार्बिल एमीन, ठीक है ना, कार्बल और कार्बिल एमीन यहां पर हो गया। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको लिखो, फिर मैं इसमें आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड बनता है इधर, है ना, लिखो इसको, यहां पर है ना कार्बिल नहीं करती है प्रसिद्ध, है ना, यहां पर आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, माइनर सा, प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये ना लिख लेना है, ठीक कर लो इसको, विभेद करने के लिए हमको यूज करते हैं इस रिएक्शन को। इसका एग्जांपल देखो, है ना, बहुत ही सुंदर एग्जांपल इसका है, हम लेते हैं अभी सी एच थ्री सी एच टू और ये क्या है एन एच टू, क्या नाम है इसका, इथेनमाइन, इथेनमाइन, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है भाई, इसमें आपको ऐड करना है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉलिक, ठीक है, इसे ऐड करते ही आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा,
यानी सी एच थ्री सी एच टू और ये एन सी हो जाएगा, ठीक। प्लस क्या मिलेगा, थ्री के सी एल मिलेगा, साथ में थ्री एच टू ओ मिलेगा, ठीक है ना। और यहां भी थ्री आपको यूज करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलेंगे, इथेन आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। करो कॉपी इसको। देखो अगला हमारे पास जो है वो है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है ना, किसकी, अमाइन की। तो आप इसमें लिखो हेडिंग नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया किसकी, अमाइन की। अब यहां भी नई कहानी आ जाती है, यहां भी एक नई कहानी आती है। क्या कहानी आती है कि एलिफेटिक एक डिग्री वो करता है अलग तरीके से रिएक्शन, एक डिग्री एरोमेटिक वो करता है अलग तरीके से रिएक्शन, द्वितीयक और तृतीयक वो करता है अलग तरीके से रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो तो हम लोग पहले बात करेंगे किसकी, कि नाइट्रस अम्ल जो होता है उसके साथ में कैसे करती रिएक्शन। देखो तो जो सबसे पहला आता है वो आता है, वो आता है एलिफेटिक, एलिफेटिक प्राथमिक अमाइन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या इसमें आ गया, देखो इसमें क्या हमारे पास में, मान लो हमारे पास R NH2 है, एलिफेटिक है ना ये, आपने क्या किया इसमें HNO2 ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड। और साथ में हम लोग इसमें सोडियम नाइट्रेट और HCl भी यूज करते हैं, याद आया, डाइजोनियम लवण, कौन सा, डाइजोनियम लवण। तो सोडियम नाइट्रेट साथ में, सॉरी सोडियम नाइट्राइट और साथ में क्या डालते हैं, HCl। यहां पर गर्म करने का आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल तापमान कमरे ताप पे हो जाता है रिएक्शन, ठीक है ना। और ये क्या देगा बना करके, डाइजोनियम सॉल्ट, N2 और Cl बनता है, इसे बोलते हैं डाइजोनियम लवण। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, डाइजोनियम। एलिफेटिक में बनता है क्या, एलिफेटिक में तो बन रहा है डाइजोनियम लवण, पहले तो बन गया लेकिन अब ये होता है अस्थाई, क्या होता है, स्टेबल ही नहीं होता। तो यहां से नाइट्रोजन निर्मुक्त हो जाता है, ठीक है ना, और पानी गिरने से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। देखो अस्थाई, अस्थाई होने के कारण, होने के कारण N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन निर्मुक्त, निर्मुक्त करती है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, इसमें थोड़ा सा ना पानी गिरता है इसमें, हाँ, तो मतलब ये अनस्टेबल है ना इसलिए। तो इसमें क्या होगा, R और OH इसको प्राप्त हो जाता है, साथ में HCl प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, हाँ। और जल, जल नहीं इसमें, और क्या बनता है इसमें, हाँ बस ये, ठीक है ना, ये आपको प्राप्त इसमें हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, एल्कोहल, तो इसमें आपको एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। करो कॉपी इसको, ठीक है, इसमें एल्कोहल बनता है, ये अनस्टेबल है ना इसलिए अस्थाई है, ठीक है ना। एन का भाग जाता है क्या, एन टू गैस बनता है साथ में, अच्छा एन टू गैस तो इसमें लिखा नहीं है, एन टू गैस बन गया ना, N2 गैस तो बनता है साथ में, नाइट्रोजन गैस इसमें क्या होता है, निर्मुक्त बन होता है ना, इसको जरा लिखता हूं साथ में, ये लो, ठीक है। ये पूरा क्या है,
संतुलित है। अच्छा, इस रिएक्शन का जो प्रयोग होता है वो होता है अमीनो अम्ल, जो कि प्रोटीन में होता है। कहां होता है? प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल होता है, सब लोग जानते हो। तो अमीनो अम्ल जो होता है उसके आकलन में इसका प्रयोग करते हैं रिएक्शन को, परीक्षण में, मतलब अमीनो अम्ल है या नहीं है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का प्रयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग लिखो, उपयोग प्रोटीनों और अमीनो अम्ल की आकलन में किया जाता है, ठीक है ना। ये बन गया। अच्छा, ये तो हमारे पास का जो एलिफेटिक होगा, और एरोमेटिक का तो आपको मालूम ही है ना। एरोमेटिक के जब आप लोगों ने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान को रख करके विकसित किया था, क्या चीज, डाइजोनियम लवण, वही है इसका डिक्टो। देखो क्या इसमें आता है, क्या एरोमेटिक, तो एरोमेटिक अमीन से अभिक्रिया किसकी, नाइट्रस एसिड की, नाइट्रस अम्ल की। अब दोस्तों देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, अब इसमें जो है बेंजीन ले लो, आ जाओ, एनिलीन हो गया पहला, ये तुम्हें, ये तो इसमें है NH2। क्या करना है इसके अंदर, नाइट्रस अम्ल डालना है HNO2, साथ में क्या होता है इसके अंदर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl में डालते हो, और क्या करते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी आप कहते हो कि 273 केल्विन से 278 केल्विन तापमान रखते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम क्या है एनिलीन, और ये हमें इधर क्या देगा, डाइजोनियम लवण, यानी N2 और Cl, ये Cl होता है कैसा, नेगेटिव, और N इसमें होता है पॉजिटिव। ये आपको प्राप्त हुआ लवण, साथ में NaCl और जल। अब ये जो हमारे पास डाइजोनियम लवण है, इसका उपयोग हम लोग अलग अलग एरोमेटिक यौगिकों के विरचन में करते हैं ना। मान लो क्लोरोबेंजीन आपको यहां से प्रिपेयर करना होता है, तो आप इसमें क्या करते हो, CU2Cl2 डाल देते हो, कि नहीं, है ना। अब यहां से फिनॉल भी बनता है ना। अलग अलग प्रकार के आपके यहां से एरोमेटिक प्रतिस्थापी यौगिक का विरचन होता है। ये क्या है, ये है डाई एजोनियम लवण, ठीक है ना, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किस लिए, एरोमेटिक यौगिक के संश्लेषण में, है ना, जिसका उपयोग विभिन्न विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के विरचन में करते हैं, ठीक है ना। करो कॉपी इसको, फिर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, ये तो आपको आता है, ठीक है ना। और इसको पूरा एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, ठीक है ना, डाइजोनियम सॉल्ट जो है, जो डाइजोनियम लवण है, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है, कहां, इसी चैप्टर में, डाइजोनियम लवण के नाम से, ठीक है ना, वहां पर हम इसको डिटेल में सीखेंगे। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अपना जो नया टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, हाँ, एरिल फिनोल सल्फ, है ना, क्या, अराइल सल्फोनील क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया,
ठीक है ना। एरिल सल्फोनील क्लोराइड से अभिक्रिया, जिसमें क्या बनता है, जिसमें सल्फोनामाइड बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड यौगिक है ये सल्फोनामाइड। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसकी, दवाई वगैरह में यूज होता है। कान का ड्रॉप आता है ना इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उसमें सल्फोनामाइड डालते हैं यौगिक, जो आगे हम लोग निर्चयन अब करेंगे। ठीक है, तो सल्फोनामाइड जो होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। आंख का जो ड्रॉप आता है उसमें भी डालते हैं हम लोग इसको सल्फोनामाइड को। तो सल्फोनील क्लोराइड के साथ में एमीन की जब होती है रिएक्शन, तब हम लोग देखेंगे सल्फोनामाइड। देखो अब इसमें हमारे पास क्या है, एरिल सल्फोनील क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्या है, एरिल सल्फोनील क्लोराइड, क्लोराइड से अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, यानी आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हो एरिल सल्फोनील क्लोराइड, क्लोराइड रिएक्शन, ठीक है भाई। तो उसमें लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं होती इतनी, है ना, लैंग्वेज लिखने की इसमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। देखो इसमें लैंग्वेज लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, करना क्या इसके अंदर, आपको पहले मैं दिखाता हूं स्ट्रक्चर किसका, एरिल सल्फोनील क्लोराइड का, यानी कि एरिल सल्फोनील क्लोराइड। एरिल मतलब होता है बेंजीन, सभी लोग जानते हो ना, तो बेंजीन को ना ऐसा मत बनाओ, बेंजीन को अच्छे से बनाओ, इसको बनाओ लिटा करके इस बार। तो इस तरह आपके पास बन गया बेंजीन, सल्फर बन गया, डबल बॉन्ड इस पर ओ लगता है और ये सीएल, ठीक है ना। ये क्या है, ये है एरिल सल्फोनील क्लोराइड, या आप इसे कह सकते हो फिनाइल सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है ना, फिनाइल सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है ना। इसे हिंसबर्ग रिजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि फिनाइल सल्फोनील क्लोराइड की अभिक्रिया प्राथमिक व द्वितीयक, द्वितीयक एमीन से अब अमीन से होने पर क्या बनता है, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। लिखो इसको, तो इससे आगे हम लोग ना कल करेंगे ना सल्फोनामाइड का, ठीक है ना। इसका जो ना पूरा जो रिएक्शन होगा वो होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। सल्फोनामाइड का जो कंप्लीट रिएक्शन है वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहें।